पुकारेंगे तभी उसी की कृपा मिलेगी। एक गोपी बोल पड़ी, कन्हैया जयति तेदिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सश्वदत्र हि। अरे आपके जन्म से पहले हमारे ब्रज भूमि को कौन जानता था? हमारे ब्रज की इस भूमि का महत्व आपके जन्म के बाद ही तो बड़ा है। और गोपी बोल रहे हैं, कन्हैया श्रयत इंदिरा सश्वदत्र ही, जब से आप अवतार लेकर के ब्रज की भूमि में आ गए हैं तब से वैकुंठ की महारानी लक्ष्मी भी आज ब्रज में वास करने के लिए तरसती है। ब्रज में वास करने के लिए महालक्ष्मी भी दौड़ती हुई आती है। कन्हैया इस ब्रज की महिमा आपकी वजह से है, हम सब ब्रजवासियों की महिमा आपकी वजह से है। दैत दृश्यताम दिक्षुक तावकस वैद्रता सरस्वांग चिन्वते, हम तो आपका ही चिंतन कर रहे हैं, कृपा करके एक बार दर्शन दिखा दीजिए। गोपियां रो रही हैं कृष्ण के आपको हमें मृत्यु ही देनी थी, अगर आपको हमें मारना ही था तो एक गोपी शिकायत करती हुई बोली है, कृष्ण विष जलाप्य याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्यतानलाद। जिस समय अघासुर बकासुर जैसे भयंकर राक्षस आए उनसे हमारी रक्षा क्यों की? काली नाग के जहर से हमें क्यों बचाया? इंद्र की बरसात से हमें क्यों बचाया? जिस समय ब्रज में अग्नि लग गई थी आपने अग्नि का पान कर लिया और हमारी रक्षा की। आज एक एक गोपी बोल रही है, कन्हैया अगर मारना ही था तो उस समय मर जाने देते। आज अपने विरह में हम गोपियों को मरने के लिए आप छोड़ गए, ये अच्छी बात नहीं है, कृपा करके एक बार दर्शन दिखा दीजिए। अल्लाह
खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मृत। दो भाव हैं इस श्लोक के, एक तो एक गोपी बोल रही है कन्हैया नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल यशोदा के या आप नंद नंदन ही नहीं है। अखिल देह नाम अंतरात्म दृक, अखिल देहधारियों के अंदर आत्मा रूप से भी आप ही बैठे। कौन कहता है कि गोपियां कृष्ण को ब्रह्म भाव से नहीं भजते? जिनको ये पता है कि कृष्ण ही सबकी आत्मा है, कृष्ण ही सबकी चेतना है। एक भाव तो गोपियां बोल गई कि सबके अंदर आत्मा रूप से आप हैं, चेतना रूप से आप बैठे हैं। तो क्या हमारी वेदना आपको समझ नहीं आ रही? क्या हमारा कष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हमारा दुख, हमारी करुणा आप अनुभव नहीं कर पा रहे हो? जब सबके अंदर आप हो तो हमारे अंदर भी तो आप हो। अथवा तो गोपियां बोल पड़ी कन्हैया न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा मैया के पुत्र हो ही नहीं सकते। तो किसी ने पूछा क्यों ये गोपी थोड़ी क्रोध में बोल रही है ना? तो भगवान से, कृष्ण से, कन्हैया से बोल पड़ी, आप यशोदा के पुत्र नहीं हो सकते। हमारी यशोदा मैया तो बड़ी करुणावान है, बड़ी दयावान है। अरे किसी के आंसुओं को वो देख नहीं पाती। और कहाँ, अगर आप यशोदा नंदन होते तो हमारे भी आंसुओं पर आप पिघल जाते, सामने प्रकट हो जाते। तो क्या आप, हमें शंका हो रही है, क्या आप यशोदा के ही पुत्र हैं? गोपियां बोल सुधा।